नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में मैं आपको करवाऊंगी हिंदी व्याकरण का लिंग वचन विलोम और महीनों के नाम। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वचन क्या होता है। वचन जैसे कि हमने देखा है पार्ट 6 में, एक से अनेक हमें करने होते हैं उसे हम वचन कहते हैं। जैसे एक चीज यहाँ पे दे रखी है, आपको उसी का बहुवचन बनाना है, यानी कि बहुत सारा बनाना है। ठीक है, आपके पास एक पेंसिल है तो आप कहोगे पेंसिल, और जहां आपके पास एक से ज्यादा पेंसिल है तो आप उसको कहोगे पेंसिलें, बोलते हो ना ऐसा, तो ये क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। यहाँ पे एक चीजें आएंगी और यहाँ बहुवचन में बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, बढ़े आगे। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है पेंसिल, तो पेंसिल का बहुवचन आप क्या करोगे, पेंसिलें। आपको बोलने में तो बहुत इजीली बोलना आ जाएगा, लेकिन लिखने में मात्राओं की मिस्टेक बहुत सारी होगी, तो आपको क्या करना है, इसको लिख लिख के ही याद करना है और मात्राओं की तरफ ध्यान देना। देखो जैसे कि स के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगी तो कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन ल के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी। पेंसिल पेंसिलें, पौधा पौधे, क्या करोगे, आ की मात्रा हटा करके ए की मात्रा लगा दोगे, पौधे। किताब किताबें, बोलते वक्त भी ध्यान रखोगे कि कौन सी मात्रा लग रही है यहाँ पे। ऐसे ही बच्चा, तो क्या हो जाएगा, बच्चे, बोलना आता है लेकिन लिखने में ध्यान रखोगे बच्चे, कौन सी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है, तो आप च पर ए की मात्रा लगा दोगे। आंख आंखें, कपड़ा कपड़े। ऐसे ही आगे देखो, चिड़िया, तो चिड़िया में आपको क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ चंद्र बिंदु लगा देते, तो ये इसका बहुवचन हो जाता है। बिल्ली बिल्लियां, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बड़ी की मात्रा है, जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो वो छोटी की मात्रा में बदल जाता है। यहाँ ये छोटी की मात्रा कैसे लगेगी, आधा ल और पूरा ल के आगे लग जाएगी, आधा ल के आगे। ठीक है, और या के ऊपर चंद्र बिंदु, बिल्ली बिल्लियां। माता माताएं, छात्रा छात्राएं, लड़की लड़कियां। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा वचन। एक बार फिर से मैं आपको इसका दोहरान करवा देती हूँ। पेंसिल पेंसिलें, पौधा पौधे, किताब किताबें, बच्चा बच्चे, आंख आंखें, कपड़ा कपड़े, चिड़िया चिड़िया, चंद्रबिंदु लगा देंगे, बिल्ली बिल्लियां, माता माताएं, छात्रा छात्राएं, लड़की लड़कियां। ठीक है, ये हमने किया है वचन। अब हम करेंगे लिंग। पहले मैं अब आपको ये बता देती हूँ कि लिंग क्या होते हैं। लिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुरलिंग लिखते हैं। पुरलिंग यानी कि पापा वाले शब्द, अंकल वाले शब्द। ठीक है, और जितने भी लड़के होते हैं उनको हम पुरलिंग में मानते हैं। और ये यहाँ पे हो जाएगा स्त्रीलिंग, लड़की वाले शब्द यानी कि मम्मी वाले शब्द। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी शब्द रखे हैं जो लड़कों के लिए यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हीं का आपको लड़कियों के लिए चेंज करना है, बदलाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे मम्मी वाले शब्द, आंटी वाले शब्द जो भी हैं, आप जैसे समझोगे कि गर्ल वाले शब्द जो भी होते हैं वो यहाँ आ जाएंगे। जैसे हम इसका उल्टा करेंगे, पुरलिंग क्या होगा, पिता, पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा, माता। ठीक है, फूफा बुआ, मौसा मौसी, वर वधु, बैल गाय, घोड़ा घोड़ी, चिड़ा चिड़िया, ऊंट ऊंटनी, आदमी औरत, लेखक लेखिका, भाई बहन। ये हमने किए हैं लिंग। एक बार फिर से आपको इसका दोहरान करवाती हूँ। यहाँ पे हमें सारे पुरलिंग लिखते हैं, पापा वाले शब्द, और यहाँ स्त्रीलिंग लड़कियों वाले शब्द। ठीक है, पिता माता फूफा बुआ मौसा मौसी वर वधु, बैल गाय घोड़ा घोड़ी, चिड़ा चिड़िया, ऊंट ऊंटनी, आदमी औरत, लेखक लेखिका, भाई बहन।
आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको करवा रही हूं विलोम शब्द। काला सफेद विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टे अर्थ जो देते हैं उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि काला, अब काला का उल्टा क्या हो जाएगा? सफेद। ठीक है, उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। पास का उल्टा क्या होगा? दूर। नया का उल्टा पुराना। सोना, उसका उल्टा जाग। कठिन, कठिन का उल्टा क्या बताओगे? सर। उल्टा सीधा। खट्टा मीठा। आना जाना। अमीर का विलोम शब्द क्या होगा? गरीब। मोटा पतला। सुबह शाम, सुबह का उल्टा क्या होता है? शाम। एक बार इसका दोहरान करते हैं। काला सफेद, पास दूर, नया पुराना, सोना जागना, कठिन सरल, उल्टा सीधा, खट्टा मीठा, आना जाना, अमीर गरीब, मोटा पतला, सुबह शाम। ये बच्चों हमने कर लिए विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं हम महीनों के नाम की ओर। पहले तो आप मुझे ये बताओ महीनों के नाम कितने होते हैं? महीने के नाम होते हैं 12 और वही सप्ताह के नाम कितने होते हैं? 7। महीनों के नाम कैसे शुरू करेंगे हम? जनवरी, आप देखो इतना स्पेस खाली रहेगा ना, तो आप इसको फुल टाइम और लिख के देखना, ताकि लिखते लिखते आपकी मात्रा मिस्टेक भी सही होती जाएगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आप अप्रैल को ध्यान में रखोगे, प के नीचे र लगा हुआ है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जून में ध्यान रखोगे कि बड़े ओ की मात्रा आती है। जुलाई, जुलाई में कौन सी मात्रा है? ये है छोटे ओ की, जुलाई। अगस्त, अगस्त में आप आधा स लिखोगे, अगस्त। सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में आधा का। नवंबर और दिसंबर, ये हैं हमारे महीनों के नाम। एक बार वापस दोहरान करते हैं इसका। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गए बच्चों हमारे लिंग, वजन, विलोम और महीनों के नाम। आशा करती हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, अपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में, अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में इसको नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है और साथ साथ में लर्निंग भी करनी है, ठीक है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त हो रही है। धन्यवाद।